हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि अर्जुन के पास जो टोटल एरोज थे वो एक्स थे, ठीक है? तो ये मान लेते हैं, तो लेट अर्जुन हैड एक्स एरोज इन टोटल, एक्स एरोज इन टोटल, तो टोटली उसके पास एक्स एरोज थे। अब लड़ाई हो गई भीष्म के साथ में, विद हाफ द एरोज ही कट डाउन द एरोज थ्रोन बाय भीष्म ऑन हिम, ठीक है? तो आधे एरोज से कट डाउन एरोज ऑफ भीष्म, तो ऐसे कितने एरोज थे? एक्स बाई टू, आधे एरोज थे, टोटल नंबर ऑफ एरोज उसके पास एक्स थे, उसमें से आधे एरोज उसके यूज हो गए उसके भीष्म के एरोज को डिस्ट्रॉय करने में, वो यूज हो गए आधे एरो। अब आगे फिर बात करते हैं, एंड विद सिक्स अदर एरोज ही किल्ड द चैरियोटियर ऑफ भीष्म, तो छह एरोज से शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं चैरियोटियर किलिंग, ठीक है? इसको मार दिया छह एरो से, ठीक है? With one arrow each, he knocked down respectively the Rath flag and bow of Bhishma, ठीक है? तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं for the destruction. भाई एक से रथ को तोड़ दिया, एक से फ्लैग को तोड़ दिया, और एक से उसने उसके बो को तोड़ दिया, ठीक है? For the destruction मतलब तबाही मचा दी कुल मिलाकर अर्जुन ने, ठीक है? तो x by 2, 6 और 3 ये हो गया। अब ये है कि finally with one more than 4 times, अच्छा finally with one more than 4 times the square root of arrows, with one more than 4 times the square root of arrows, he laid these unconscious on an arrow bed. Find the total number of arrows. Arrow bed. वही बाणों की शैया, फाइनली विद वन मोर देन 4 टाइम्स, वन मोर देन 4 टाइम्स, वन मोर देन 4 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ एरोस, वन मोर देन 4 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ एरोस, ठीक है? समझ गए? वन मोर देन 4 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ एरोज, तो एरोज कितने थे उसके पास? एक्स थे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एरोज अर्जुन हैड फाइनली विद वन मोर देन 4 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ एरोज, एरोज लेफ्ट या टोटल नंबर ऑफ एरोज का स्क्वायर रूट होता है? टोटल का ही होगा। इससे उसने भीष्म के जो एरो उसने फेंके थे उनको काटा, इससे उसने चैरियोटियर को मार दिया, इससे उसने रथ वगैरह वो सब तोड़ दिया, और ये जो नंबर ऑफ एरोज थे इससे उसने क्या करा कि एक एरो का बेड बना दिया, मृत्युशैया पर उसको लिटा दिया था ना वो, तो ये जो सारे हैं ये सारे के सारे टोटल नंबर ऑफ एरोज हो गए, अर्जुन के टोटल नंबर ऑफ एरोज हो गए, तो इन सबको ऐड करा इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। हम क्या करें, इधर लिखेंगे एक्स बाई टू प्लस सिक्स प्लस टू नाइन प्लस वन टेन प्लस फोर रूट एक्स is equal to x, ठीक है? और इस x को इधर ले आओ, तो x by 2 minus x plus 4 root x plus 10 is equal to 0, x by 2 minus x कितना हो गया? minus x by 2 plus 4 root x
प्लस 10 इज इक्वल टू 0, एलसीएम ले लेते हैं तो माइनस एक्स 2 4s are 8 root x, ठीक है, और 2 10s are 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ से आप एक काम करिए, माइनस 1 कॉमन भी ले लीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस 8 root x और माइनस का 20 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 तो उधर जाकर 0 हो गया, अब ये माइनस 1 भी इधर जाकर 0 हो जाएगा। और हाथ के हाथ यहाँ पर एक काम कर दो, लेट x इज इक्वल टू t स्क्वायर, लेट x इज इक्वल टू t स्क्वायर, क्योंकि ये जो रूट x है ना, इस रूट x से हम परेशान हो सकते हैं क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आती है, रूट वाली करनी नहीं आती। तो मैंने क्या करा, मैंने x को t स्क्वायर मान दिया, जब x को t स्क्वायर मानूंगा इधर t स्क्वायर आ जाएगा और इधर t आ जाएगा, ठीक है, माइनस वन उधर चला जाएगा, वो जीरो बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया, एक्स की जगह लिख दिया टी स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस 8 टी और माइनस 20 इज इक्वल टू 0। बड़े आराम से हो जाएगी, तो फैक्टराइज तो बड़े आराम से हो रहे हैं भाई, माइनस 10 और प्लस 2, ठीक। तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 10 टी प्लस 2 टी माइनस 20 इज इक्वल टू 0। t कॉमन ले लिया तो t माइनस 10 प्लस 2 कॉमन ले लिया तो t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो t माइनस 10 इंटू t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो t माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 10 और t इज इक्वल टू माइनस 2। अब t क्या है, तो जब इसमें t की वैल्यू 10 आ गई तो भाई t स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, t स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, और इधर से t स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो भाई 4 वाला तो डिस्कार्ड कर देंगे, ऐसा थोड़ी है कि 4 ही एरो है उसके पास, क्योंकि फिर 3 एरो तो भाई t स्क्वायर की वैल्यू तो x के बराबर है ना, और x ही उसके इनिशियल नंबर ऑफ एरोज थे, तो 3 एरो तो उस 4 में से 3 एरो तो उसका रथ पहिया वहिया तोड़ने में चले गए, तो फिर वो 6 एरो कहाँ से लाएगा चलिए टूट मारने के लिए। भाई 6 और 3 ये 9 एरो तो उसको चाहिए ही थे ना मिनिमम चैरियोटियर को मारने के लिए और उसका रथ का पहिया तोड़ने के लिए, वो सब कुछ करने के लिए, और ये तो टोटल नंबर ऑफ एरोज ही 4 आ रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक। तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, ये चल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 100, नंबर ऑफ एरोज उसके पास टोटल 100 है, जो ठीक है जी, क्लियर है। ऑनलाइन वाले बता दें समझ गए, यस सर, ठीक है। चलिए जी और बताओ कौन से डाउट्स हैं। जो सैंपल पेपर होते हैं ना, इनके कागज कुछ अलग ही उसके होते हैं, पतले से कागज होते हैं। क्वेश्चन नोट करिए, टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, द सम ऑफ देयर एरियाज इज, their areas is 130 pi centimeter square, 130 pi centimeter square, and the distance between their centers is
distance between their centers is 8 cm. Full stop. Find the radii of the two circles. Find the radii of the two circles. ठीक है, ये बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में इन्होंने दिया है कि टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, द सम ऑफ देयर एरियाज इज 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 8 सेंटीमीटर। उनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए इंटरनली और एक्सटर्नली टच करने का मतलब क्या है, ये जो सर्कल है एक ये वाला सर्कल है और एक ये वाला सर्कल है, तो ये इसको तो कहेंगे कि एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो एक पॉइंट पर टच कर रहा है। ठीक है, हम बात करते हैं इंटरनली टच करने की। तो इंटरनली टच करने का मतलब क्या है कि उसको टच करते हुए इंटरनली, वो इंटरनली उसको इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है। मतलब ऐसे एक सर्कल तो ये, एक सर्कल को बड़ा दिखा दीजिए, एक सर्कल को थोड़ा छोटा दिखा दीजिए, तो एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया, ये इसका सेंटर हो गया और ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है, अंदर ही बना रखा था। तो अगर अंदर बनाएंगे वैसे दिखा रखा था क्या, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स ही होगा। हाँ देखो, कुछ कंडीशन तो ऐसे दी नहीं है, इंटरनली टच करना ये भी है। ये वाला ज्यादा आसान पड़ेगा। चलिए देखिएगा, ऐसा बना लेते हैं डायग्राम इसका। सम भी बोल रखा है उनके एरियाज का, सम हमने क्या करा, एक सर्कल तो ये रह गया, अब अपने सॉल्यूशन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हमने क्या करा, एक सर्कल को बहुत छोटा दिखा दिया, इसका सेंटर यहाँ दिखा दिया। ठीक है, अब छोटे वाले सर्कल का सेंटर कुछ मान लीजिए, लेट द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल बी, बी स्मॉल आर। तो छोटे वाले सर्कल का रेडियस मैंने स्मॉल आर मान लिया, स्मॉल आर। अच्छा, दोनों के जो सेंटर्स हैं, ये तो स्मॉल आर हो गया, दोनों के जो सेंटर्स हैं उनके बीच में इन्होंने बोला एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 8 सेंटीमीटर। तो दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस 8 है। ठीक है, तो बड़े वाले का रेडियस अपने आप ही 8 प्लस आर हो गया। ठीक है, हम ये कहेंगे देन रेडियस ऑफ बिगर सर्कल इज आर प्लस 8 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब वो बोल रहे हैं द सम ऑफ देयर एरियाज इज 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गिवन बड़े वाले सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, छोटे वाले सर्कल का एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 130 पाई के इक्वल है, 130 पाई के इक्वल है। तो यहाँ से क्या करिए, यहाँ से पाई ले लीजिए कॉमन, ये बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 130 पाई। इसमें पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और फिर
कैपिटल आर की वैल्यू है स्मॉल आर प्लस एट, और स्मॉल आर तो स्मॉल आर है ही, ठीक है, तो शायद क्वाड्रेटिक ही बन जाएगी ये भी, तो स्मॉल आर प्लस एट का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 130, तो स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस एट का स्क्वायर प्लस टू इंटू आर इंटू एट प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 130, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर प्लस 16R प्लस 64 इज इक्वल टू 130। अब इधर से थ्रू आउट आप 2 ले लीजिए कॉमन, तो इधर R स्क्वायर प्लस 8R प्लस 32 इज इक्वल टू 130, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर आ जाएगा 65, तो R स्क्वायर प्लस 8R प्लस 32 माइनस 65 is equal to 0, r square plus 8r, 32 minus 65, कितना हो जाएगा, 5 minus 2 is 3, 6 minus 3 is 3, minus का 33, ठीक है, is equal to 0, ये हो गया, हाँ जी, साफ समझ में आ रहा है, 33 कैसे split करेंगे, 11 3 is 33, 11 और 3 का subtraction 8, ठीक, तो r square plus 11r, माइनस 3R, 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 8, और ये तो माइनस 33 है ही, 11 इंटू माइनस 3 इज माइनस 33, R कॉमन ले लिया तो ये बन गया R प्लस 11, इधर माइनस 3 कॉमन ले लिया तो ये भी बन गया R प्लस 11 इज इक्वल टू 0, तो R प्लस 11 इंटू R माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो R की वैल्यू एक तो माइनस 11 क्योंकि छोड़ देंगे, और R की वैल्यू स्मॉल 3, तो ये छोटे सर्कल का हो गया स्मॉल 3, ठीक है, और बिगर सर्कल का क्या हो गया 11, ये 11 सेंटीमीटर हो गया, आंसर गलत दे रखा है ना, गलती से हो गया होगा, ये रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स आर 11 एंड 8 सेंटीमीटर, ये दे रखा है, हमारा तो 11 और 3 आ रहा है, वो 8 उनका डिफरेंस है, तो गलती से 8 हो छप गया होगा। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये 32 वाला ना, हाँ 32 वाला, अच्छा ये वाला मत करो, सिलेबस में नहीं है, हाँ जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक पोर्शन है एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला, तो ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में जैसे चार वर्टिसेस दे रखे हैं, तो अगर एक डायगनल बना लिया जाए तो दो ट्राइंगल्स में वो डिवाइड हो जाता है, हालांकि है बहुत आसान कि एक ट्राइंगल का एरिया निकालो दूसरे का निकालो दोनों को ऐड करो, तो ये इस बार है नहीं सिलेबस में, होता तो मैं करा देता, कुछ है नहीं, हमारी मुस्कुराहट कह रही है कुछ खतरनाक सा है ये भी, इफ मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, तुम पूछ रहे हो ये ऊपर वाला, मैं इसे 31 अरे तो 30 ऐसा 30, ओके मुझे लगा 30 होगी मीन वाला, चलिए जी ठीक है अभी देखते हैं, एक क्वेश्चन देखिएगा, हाँ जी क्वेश्चन देखिएगा, इन द गिवन फिगर एबीसी इज अ राइट ट्राइंगल, इन द गिवन फिगर एबीसी इज अ राइट ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट बी, the given figure ABC is a right triangle ABC is a right triangle right angle to B question कौन से पेज नंबर पे है, 3 लिखा है इसमें,
E32 लिखा हुआ है, E32 31. So in the given figure, ABC is a right triangle, right angle at ABC is a right triangle, right angle at D. Right angle at B, full stop. AD and CE are the two medians. AD and CE are the two medians drawn from A and C respectively. ये वाला जो है देख कर बता रहा, ये 2021 का सैंपल क्वेश्चन पेपर है जो CBSE ने इशू करा है, ठीक है ना। इससे पहले वाला वो बता देना, वो सैंपल पेपर का था, मतलब प्रीवियस ईयर का नहीं है। सैंपल पेपर कोई भी ऑथर डिसाइड करता है खुद से, तो शिवदास मना हुआ है। ABC is a right triangle, right angle at B. AD and CE are the two medians drawn from A and C respectively. If AC is equal to 5 cm, if AC is equal to 5 cm and AD is equal to 3 root 5 by 2 cm, find the length of CE. तो इसमें ना एक फिगर दे रखी है, फिगर बना रहे हैं। ABC इज अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी मतलब इधर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अच्छा, मुझे क्या करना है, मुझे CE की लेंथ निकालनी है। और इन्होंने क्या बोला है कि AD एंड CE आर द टू मीडियंस ड्रॉन फ्रॉम ए एंड सी रिस्पेक्टिवली। तो ए से एक मीडियम ड्रॉ करा गया, ए से जो मीडियम ड्रॉ करेंगे वो सामने वाली साइड को ना बाइसेक्ट कर देगा। मीडियम का काम ही बाइसेक्ट करने का होता है। तो ये हो गया ए डी। उसके बाद में बोल रहे हैं कि सी ई आर द टू मीडियंस अच्छा, उसके बाद वो AD की लेंथ बता रहे हैं, ये जो AD है इसकी पूरे की लेंथ बता रहे हैं 3 root 5 by 2 cm। ये तो AD की लेंथ हो गई। और इसके अलावा वो बोल रहे हैं कि CE की लेंथ निकालनी और AC दे रखा है 5 cm, AC 5 cm दे रखा है। तो चलिए कोई नहीं, इसमें ऐसा करेंगे कि जैसे ये जो BC है ना, ये BC टोटल आप 2x मान लो, तो ये भी x हो गया और ये भी x हो गया। ऐसे ये जो AB है इसको टोटल y 2y मान लो, तो ये भी y हो गया और ये भी y हो गया। अब मेरे पास यहाँ पर तीन राइट ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है पाइथागोरस थ्योरम से बात बन जाएगी। देखिए ना कि x निकाल लेंगे पहले ADC में, आ जाएगा। आप ये देखिएगा, सबसे पहले मैं बड़ा जो राइट ट्राइंगल है उसकी बात करता हूँ, राइट ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पर हो गया 2y का स्क्वायर, सीधा लिख रहा हूँ भाई, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर ना लिखकर मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ। AB क्या हो गया 2y, और 2y का स्क्वायर प्लस BC क्या हो गया 2x, तो 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू AC क्या हो गया 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया 4y² + 4x² = 25।
इफ द लेफ्ट हैंड साइड से फोर ले लिया कॉमन तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4 इक्वेशन नंबर 1 बोलकर छोड़ दीजिए इसको। उसके बाद क्या करेंगे, फिर आप ये छोटा वाला ट्रायंगल ले लो क्योंकि मेरे पास AD की लेंथ है तो छोटे ट्रायंगल ले लेते हैं ट्रायंगल AD। ट्रायंगल ABD और जब ABD की बात करेंगे AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। तो AB कितना है भाई, AB 2y तो 2y का स्क्वायर प्लस BD कितना है x और AD कितना है 3√5/2 का स्क्वायर तो ये हो गया 4y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 रूट 5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4। x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 45/4 इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करिए, इधर भी x स्क्वायर नजर आ रहा है इधर भी x स्क्वायर नजर आ रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हो गया। इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सबट्रैक्ट कर दीजिए, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सबट्रैक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4 और यहाँ x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 45/4 माइनस 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 x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज माइनस का 3y स्क्वायर 25/4 माइनस 45/4 कितना हो गया -20/4 माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया 4 5 20 तो y स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5/3 y स्क्वायर की वैल्यू 5/3। मैं अभी y स्क्वायर निकाल कर छोड़ूंगा, बस मुझे y निकालने की अभी जल्दी नहीं दिखानी। अब इसके बाद आप y स्क्वायर की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में डाल दो, पहली वाली में पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 तो x स्क्वायर प्लस 5/3 इज इक्वल टू 25/4 उसको उधर ले जाओ x स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4 माइनस 5/3 तो 4 और 3 का एलसीएम 12 4 3 इज 12 3 * 25 75 ठीक है और 3 4 इज 12 4 5 इज 20 x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 55/12 ठीक है। अब क्या करना है कि मुझे तो c की वैल्यू निकालनी है ना, तो ना तो मुझे x स्क्वायर निकालने की जरूरत x निकालने की जरूरत ना y निकालने की जरूरत, x स्क्वायर और y स्क्वायर ही चाहिए मुझे ठीक है। तो हम क्या करेंगे इन राइट ट्रायंगल EBC तो इसमें ये जो CE है ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। इन ट्रायंगल EBC लिखिएगा इन ट्रायंगल EBC CE का स्क्वायर इज इक्वल टू EB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर और ये जो CE का स्क्वायर है इज इक्वल टू EB, EB कितना हो गया y, तो y का स्क्वायर और BC कितना हो गया 2x, तो 2x का स्क्वायर। तो CE स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू डालिए, y स्क्वायर की वैल्यू सीधा सीधा 5/3 प्लस ये हो गया 4x स्क्वायर तो CE स्क्वायर इज इक्वल टू ये 5/3 प्लस 4 इनटू x स्क्वायर कितना आया 55/12
वन, तो फोर वन जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, तो सी ई स्क्वायर कितना आ गया 55, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर 3 है, तो ये हो गया 60/3 और 320 जा, तो वो सी ई की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो सी ई की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 20, है ना, और अंडर रूट 20 को फिर देख लीजिएगा इसमें परफेक्ट स्क्वायर का मल्टीपल करके हो सकता है क्या, 4 × 5 स्क्वायर रूट के अंदर, 4 को बाहर निकाल लो तो 2 रूट 5 सेंटीमीटर, सी ई की वैल्यू ये है, आप रूट 20 छोड़ दोगे तो भी चलेगा, 2 रूट 5 लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। मैंने इस वजह से 2 रूट 5 करना चाहा क्योंकि इन्होंने रूट 5 के टर्म्स में ये दे रखा था, हमने कहा सिंप्लीफाई फॉर्म में करके देखो। 27 बताइए जी, ये वाला समझ में आ गया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखिएगा, ये मिटा रहा हूँ, क्लियर है। That a number of the form is a natural number, can never end with digit 0. तो कोई भी नंबर अगर है ना, अगर उसको लास्ट में अगर जीरो डिजिट चाहिए तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, उसके प्राइम फैक्टर्स में एक कम से कम एटलीस्ट एक 2 और एक 5 का होना जरूरी है। फिर जो 14 की पावर n है, तो 14 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो 2 × 7 उसकी पावर n आ जाएगी। तो उसमें आप कुछ भी कर लीजिए, वो आपका किसी भी तरीके से उसमें लास्ट में जीरो नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि उसमें 2 आ रहा है और 7 आ रहा है ना। और पावर में फिर कुछ भी हो, पावर में 1 ले लो, 2, 3, 4, 5 कुछ भी ले लीजिए, जो बेसिक नंबर है, बेसिक नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5, एटलीस्ट एक 2 और एक 5 का आना जरूरी है। यहाँ पर 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, अगर मान लीजिए 5 आ जाता और 2 ना आता तो भी हम ये कहते कि भाई नहीं बनेगी बात, क्योंकि 5 देखिएगा कि 5 जहाँ पर भी आता है ना, वहाँ पर अगर 2 नहीं है तो लास्ट में 0 कभी नहीं आ सकता। तो 5 के आप मल्टीपल्स भी देखते चले जाओ, 5 आ गया, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 25, 125, 625, तो अगर सिर्फ 5 है तो लास्ट में 5, 5 ही आता चला जाएगा। अगर सिर्फ 2 है तो लास्ट मतलब इवन नंबर आने की तो संभावना है, क्योंकि ये इवन है, 14 की पावर n है, तो आप वैसे ही देख लो 14 की पावर 1, 14, 14 की पावर 2 कितना होता है, 196, तो इवन तो आएगा लेकिन वो आपका कभी भी 0 वाला यानी कि 10 नहीं आ पाएगा लास्ट में। तो हम ये कहेंगे फॉर एनी नंबर, टू एंड विद, मतलब ये वाला क्वेश्चन ना सॉल्व करने वाला नहीं है, इसको थ्योरेटिकली लिख कर ही आप एक्सप्लेन करेंगे, और ये रियल नंबर का क्वेश्चन है। फॉर एनी नंबर टू एंड विद अ डिजिट 0, हाँ वही आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाएंगे, एंड विद अ डिजिट 0, और ये ना टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में है, मैं श्योर नहीं हूँ कि इस बार है या नहीं है, शायद हमने करा ही नहीं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, नहीं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, उसी में से है। फॉर एनी नंबर टू एंड विद अ डिजिट 0 इट्स फैक्टर्स, नहीं
must be at least one two and one five. इस लेवल से नहीं लिखो. अभी बड़ा था. बट ये कोई बात नहीं. वो तो कार्ड इतना बाद में फिर हो जाते. तू तो आ रहा है तो कम से कम हमको एक टू और एक फाइव चाहिए ताकि लास्ट में जीरो आ सके. ठीक है ना. किसी की भी पावर अगर n है, ये भी याद रखना, किसी की भी पावर अगर n है तो अंदर जो है अंदर कम से कम एक जीरो जरूर चाहिए और वो एक जीरो लाने के लिए एक टू और एक फाइव जरूरी है. ठीक है ना. टीम जो है वेयर रूट पी प्रूव दैट रूट पी प्लस रूट क्यू इज इरेशनल वेयर पी क्यू आर प्राइम्स. अच्छा ये भी कहें तो यूक्लिड्स डिवीजन लेना है. आपको याद होगा कि ये वाला जो बैच है ना 8 to 9 वाला, ये हमने 15 दिन पहले स्टार्ट कर दिया था इसी साल शुरुआत में. और नहीं सर, आपने ये सर आपने 15 दिन पहले 15 दिन हमने फर्स्ट बैच चालू किया था 3:30 बजे. ये 3:30 आया था ना इंप्रूव. ठीक है तो ठीक है तो वो जो 3:30 बजे वाला बैच था ना उसमें पहले मैं यूक्लिड डिवीजन लेवल करवा चुका था. तब सिलेबस आया था तो आ गया कि वो लेवल हट गया है ना. तब सारे बच्चे बड़े परेशान हुए कि जाना तो हां भाई कौन सा ही वाला. अच्छा prove that the sum of square of sides of an octagon is equal to the sum of square of its diagonals. भाई ये कौन सा क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर का है ये? पता नहीं सर, ये हमारी क्लास सब्जेक्ट टीचर ने दिया. मेरे अलावा चार और टॉपरों ने मेरे साथ मिलकर सॉल्व करा. हमने करा, हमारे गलत आया, फिर हमने सब्जेक्ट टीचर समझा और जो हमें समझ में आता था वो भी हमारी समझ में नहीं आता. नहीं तो ये तो समझ में आ गया कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है. ट्रायंगल्स. ट्रायंगल्स में कहां से ये चीज पूछे. चलो prove that the sum of square of sides of a rhombus is equal to the sum of square of its diagonals. चलो जी देखते हैं एक बार से. मैं देखना है करना है. सर पीछे का सॉल्यूशन नहीं करा मतलब होगा मैम के द्वारा. अच्छा अच्छा राइटिंग अच्छी है उसकी. राइटिंग अच्छी है उसकी भी ना. क्या बात है, तबीयत तो ठीक है. जैसे कल ये हेलमेट वेलमेट सा लगा कर आया था सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी तो असर तो नहीं आ गया दिमाग पे. मैंने जैसे देखा मुझे लगा हेलमेट लगा के आ गया कोई बच्चा, ठंड में उतारने का मन ही नहीं कर रहा होगा. पुरानी बात है, मैं आरडी कॉलेज में पढ़ाता था तो हमारे यहाँ टीचर आते थे सर्दियों के दिन. तो सर्दियों के दिन में पूरा विंड चीटर वगैरह पहनकर है ना, और नीचे भी वो एक वो पहनकर आते थे ट्रैक पैंट टाइप का उसके ऊपर, मतलब उनको ठंड लगती थी दूर से आते थे हेलमेट वगैरह पहनकर. और कई दिन हो गए, कई दिन मतलब एक दिन कहने लगे कि ना मतलब आजकल की जनरेशन एकदम बेकार हो गई है ना. तो मैंने कहा सर क्या हो गया, सुबह सुबह कैसे नेगेटिव हो रही. तो हम साथ में बैठते थे, कहने लगे कि इतने सारे स्टूडेंट हैं, देखो ये तो मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, इसने मेरे को देख कर ना विश तक नहीं करा बल्कि गुस्से से देखता हुआ जा रहा था मेरे को.
तो दो तीन दिन तक फिर मेरा एकदम ध्यान आया क्योंकि मैंने उनको सुबह देखा, मैंने कहा ये तो हेलमेट पहन के ही आ रहे हैं यहाँ तक, पूरा हेलमेट और वो सब कुछ वो करके। तो मैंने कहा सर आप मुझे तो पहचान में आ नहीं रहे हो, मैंने बच्चों को कहाँ पहचान करे, हाँ मैं तो ठंड में उसको उतारता ही नहीं था हेलमेट को, तो ऐसे ही आ गया था कल ये हेलमेट पहन के आँखें यहाँ से दिखाई दे रही है। अच्छा देखिए इसमें ना एक ही है जो हमको समझ में आ रही है, ये जो रोम्बस होता है तो रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, दूसरा जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उससे शायद हमें कुछ हेल्प मिल सकती है। नहीं मिली कोशिश करके एक चीज तो है कि सारी साइड इक्वल है, ये भी x, ये भी x, ये भी x और ये भी x, और ये मालूम है कि इसके डायगोनल जो है ना बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल इक्वल नहीं होते लेकिन बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो मैंने ये बोला कि ये इसको मैं बोल देता हूँ a, b, c और d, तो आप ये मान लीजिए ये बीच वाला पॉइंट o हो गया, आप ये कह दीजिए ये y है तो ये भी y और ये z है तो ये भी z, ये हो गया। अब यहाँ से x, y और z में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि x स्क्वायर OC is equal to half of AC, ठीक है, OD is equal to half of BD, वो भी ठीक है, इन ट्राइंगल DOC, DOC में half of AC का स्क्वायर half of BD का स्क्वायर 1/4, अच्छा तो AC square plus BD square is equal to 4 times of CD square, AC square plus फिर ये BC square कहाँ से है, AC square अच्छा 4 टाइम्स ऑफ सी डी का स्क्वायर, तो सी डी सी डी को फिर मैंने क्या लिख दिया, अच्छा सी ओ, अच्छा ये सी ओ है, अच्छा सी ओ का स्क्वायर क्या कर रखा है पता ही नहीं चला, चलो सॉरी सॉरी सर, ए बी ए बी ए बी 4 सी डी, अच्छा सी डी को एक बार हमने बोल दिया ए डी का स्क्वायर, एक बार बोल दिया सी डी का स्क्वायर, एक बार बोल दिया बी सी का स्क्वायर, एक बार बोल दिया ए बी का स्क्वायर, ठीक है, और ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये जो बी डी है, अच्छा ये गलती से फिर इन्होंने बी सी स्क्वायर लिखा होगा, प्रूफ क्या करना था, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ अ रोम्बस, अरे बहुत बढ़िया करके सही आ गया, समझा पकड़ो भी पकड़ो, बहुत सही, नहीं नहीं बहुत सही करके भाई, टीचर ने करके दिखाया बहुत बढ़िया,
एक छोटा सा गेम है बस इसमें, और बाकी बाकी कुछ नहीं है कुछ। सर गेम का लेवल बताओ, ये फिगर बने रहना है या इसको काट दो दूसरा बना दो, ये चलो बना रहने दो, बना रहने दो, बना रहने दो, कट जा कट जा। मैंने यहाँ पर लिखा था ना ए बी सी डी, ये सेंट्रल पॉइंट हुआ है। जी ये देख लीजिए कि इन्होंने क्या करा, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ अ रोम्बस, ठीक है, मतलब उनको क्या प्रूव करना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, इन सब के स्क्वायर्स का सम इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स लैटिस। तो यहाँ इन्होंने ऐसे कर दिया कि ये कह दिया कि ये जो है ना, ये जो सी ओ है, ये ए सी का हाफ हो गया, तो इन ट्राइंगल सी ओ डी, बस इतना करिए सीधा सा, कोई बातें नहीं, प्लीज़ ध्यान से समझ लो, अच्छा क्वेश्चन। इन ट्राइंगल सी ओ डी तो सी ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो सी ओ है ये क्या है, ये ए सी का आधा है, तो हाफ ऑफ ए सी का स्क्वायर, ए सी का हाफ हो गया ना ये, तो ठीक, क्योंकि वो दोनों जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो सी ओ का मतलब हो गया हाफ ऑफ ए सी, ऐसे ही जो डी ओ है उसका मतलब हो गया हाफ ऑफ बी डी, तो हाफ ऑफ बी डी का स्क्वायर, और इसको ऐसे ही लिख दो सी डी स्क्वायर। अब ये हो गया ए सी स्क्वायर बाई फोर, इसका एच सी एम लेके इस फोर को उधर कर दिया क्या, ये हो गया हाँ, वही तो करा, तो वही तो करा, वैसे हम चीज़ तो है इक्वल टू सी डी स्क्वायर। अब ये इधर भी फोर है, इधर भी फोर उधर कर देंगे फोर सी डी, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर फोर टाइप्स ऑफ सी डी स्क्वायर, यहाँ तक समझ गए, ठीक है। अब देखिएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, उसके बाद बस वो एक स्टेप जो है वो शॉर्ट है, उसकी वजह से आपको अब समझ में नहीं आ रहा। देखिए क्या है, ये जो फोर सी डी स्क्वायर है ना, उसको उन्होंने एक्सपेंड करके ऐसे लिख दिया, सी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, चार बार लिख दिया, ठीक है। अच्छा, और क्योंकि ये रोम्बस है तो ए बी बी सी सी डी डी ए सब इक्वल है, इन्होंने क्या करा, इसको लिख दिया ए बी स्क्वायर, इसको लिख दिया बी सी स्क्वायर, इसको सी डी स्क्वायर ही रहने दिया, और इसको कर दिया डी ए स्क्वायर, और प्रूफ बस ये करा, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में उन्होंने यहाँ बी सी लिखा हुआ है, वो गलती से लिख दिया ए सी प्लस बी डी है, वो गलती से उन्होंने बी सी लिख दिया, मैं उसमें कन्फ्यूज हो रहा था, ये चीज़ है। तो डायगोनल्स के स्क्वायर का सम उसकी साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर हो गए, ठीक है जी। आज इतना ही करते हैं, बाकी लास्ट क्वेश्चन मैं कल बता दूंगा, वैसे इसको कोई बात नहीं, नहीं कोई नहीं बता दूंगा, कौन सा है क्वेश्चन नंबर टू, विच थ्योरी इन सोसाइटी इज गिवन फॉर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी, तो ठीक कैसे ओके अगर